Hello and welcome to SPM IAS Academy. This is APSC Prelims Current Affairs session. Today we will be taking up topic number 661 to 680. So before I start, there is a message for all my students. देखिए, पिछले डेढ़ साल का करंट अफेयर्स जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था जनवरी 2020 से लेकर के जून 2021 तक का, वो आज के सेशन के बाद कंप्लीट हो जाएगा. तो जो भी मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराए थे, जो टॉपिक्स प्लस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, वो सब कुछ मैंने करा दिया है इन दी 680 टॉपिक्स. अब जो टॉपिक्स बचे हुए हैं जो मैं आपको कवर कराऊंगा, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, तो वह है असम गवर्नमेंट का बजट. जो इस साल का बजट आया था 7 जुलाई को, मुझे लगता भी नहीं है कि ये आएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि उसके पहले पेपर सेट हो चुका होगा. फिर भी मैं उसको करा दूंगा एक बार टू बी ऑन द सेफर साइड. तो जो असम सरकार का बजट है इस साल का, और मैं पिछले साल का भी करा दूंगा, जो पिछले साल के इंपॉर्टेंट स्कीम्स थे वो भी करा दूंगा. तो असम सरकार के बजट इस साल के और पिछले साल के, ये मैं कराऊंगा आने वाले संडे को, यानी कि द डे आफ्टर टुमारो, 22 अगस्त को. कल हमारा सेशन नहीं होगा, कल हम लोग थोड़ा ब्रेक लेंगे इस सारे टॉपिक्स को कंपाइल करने के लिए. तो परसों असम सरकार के बजट करा दिए जाएंगे 22 अगस्त को, और 23 अगस्त को जो भी असम सरकार की स्कीम्स हैं, वैसे तो कई सारे स्कीम्स मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, बट असम सरकार की स्कीम्स या जो भी ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और मैंने संभव अभी तक नहीं कराया, वो सब कुछ करा दूंगा मैं 23 अगस्त को, और अगर ज़रूरत पड़ी तो 24 अगस्त को भी एक सेशन मैं ले लूँगा असम सरकार की स्कीम्स पर. तो मुद्दा यह है कि 24 अगस्त को ये सेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. 24 अगस्त को जितना कुछ भी हमने आपको पढ़ाया है, वो सब कुछ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे दिया जाएगा 24 अगस्त को. उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है उसको रिवाइज करना. तो कौन कौन सा मटेरियल आपको दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, वो भी समझ लीजिए. ये जो 680 टॉपिक्स हमने आपको रोज़ कराए हैं, डेली 20-20 या 25-25 करके, इन टॉपिक्स को एक जगह कंपाइल करके पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिया जाएगा, प्लस 505 एडिशनल टॉपिक्स. ये पीडीएफ हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं. कई सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन हो गया, वो फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर ये क्या है एडिशनल टॉपिक. तो आपने शायद से मेरी बात सुनी नहीं बीच में, कि मैंने कहा था कि जब पिछले साल सितंबर में एपीएससी ने नोटिफिकेशन दिया था एग्ज़ाम का, तो तब से ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराने शुरू कर दिए थे करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर एनालिसिस में. फिर उस टाइम में तो एग्ज़ाम हुआ नहीं, तो उस टाइम में लगभग मैंने 500 टॉपिक्स कराए थे, 505 टॉपिक्स टू बी वेरी प्रिसाइज. ये टॉपिक्स तो मैंने फिर एक जगह कंपाइल करा के आपको साथ आपको दे दिया था, आपको आपके साथ शेयर किया हुआ है, और उसके बेसिस पे ही हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन रोज़ देते हैं. 35 to 40 प्रैक्टिस क्वेश्चन रोज़ आपको देते हैं टेस्ट पेपर में. तो ये एडिशनल टॉपिक्स का कंपाइलेशन आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है, आपको हम लोग फिर दे देंगे 24 अगस्त को. आज के ही इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये 505 टॉपिक्स के एडिशनल टॉपिक्स जो हैं, इनके पीडीएफ आपके साथ फिर से शेयर कर दूंगा मैं कमेंट सेक्शन में एक लिंक बना करके. तो आपको मिलेगा 680 टॉपिक्स जो मैंने आपको डेली 20-25 कराए हैं, प्लस ये 505 टॉपिक्स ये जो मिल चुका है फिर से मिलेगा, प्लस असम सरकार का बजट, असम की स्कीम्स, यूनियन बजट जो इस साल का है वो भी कई सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर यूनियन बजट भी करा दीजिए. तो यूनियन बजट मैं ऑलरेडी अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में करा चुका हूं मैं. तो उस न्यूज़पेपर एनालिसिस का जिस दिन मैंने पूरा यूनियन बजट कराया था, उसका मैं एक लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा आज के ही कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के, आप उसको देख सकते हैं यूनियन बजट के लिए. उसमें मैंने सिर्फ कुछ नहीं कराया, बस यूनियन बजट ही कराया है. तो वो एज इट इज़ वो वीडियो आप देख सकते हैं, कल का दिन खाली है, कल आप यूनियन बजट कंप्लीट कर लीजिए. उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, उसको भी आप अटेम्प्ट कर लीजिए. तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि आपको डेढ़ साल का करंट अफेयर्स इन सारे लगभग 1100 टॉपिक से आपका हो जाएगा, प्लस असम बजट, असम स्कीम्स, सब कुछ हो जाएगा. अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं, मैं वो क्लैरिफाई कर दूंगा. लेकिन आप आई होप कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे. एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, करंट अफेयर्स में अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाना है, क्योंकि हम सबको ही नहीं पता है कि कितना करंट अफेयर्स आएगा. यूपीएससी में तो आता है, एपीएससी में कितना आएगा, किस डेप्थ तक आएगा. तो करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है. पता चला यही 1100 टॉपिक में आपने पूरा बचा हुआ 20 दिन आपने डिवोट कर दिया, ऐसा नहीं करना है. करंट अफेयर्स को एक दो बार अच्छे से देख लेना है, 3-स्टार टॉपिक्स को अंत अंत तक 3-4 बार रिवाइज कर लेना है, 1-स्टार को एक दो बार पढ़ के छोड़ देना है, ठीक है. स्टैटिक टॉपिक्स पर फोकस कीजिए ज़्यादा, उसमें भी असम टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि उसके सवाल पक्का से ही आएंगे, या आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ. उसमें भी असम हिस्ट्री,
क्योंकि आसाम पॉलिटी, आसाम ज्योग्राफी में कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन आसाम हिस्ट्री में ज़्यादा है, तो आसाम टॉपिक्स में भी आसाम हिस्ट्री पे फोकस कीजिए। तो आपको जो वीडियो ज़रूर देखने हैं, मस्ट वॉच जो वीडियो लेक्चर्स हैं, ये फ्री वीडियो लेक्चर्स चिन्मोय सर के पड़े हुए हैं यूट्यूब पे विद द हेडिंग अखाम गौरव गाथा, आसाम हिस्ट्री उन्होंने पढ़ाया इसमें, और आसाम पीडिया टाइटल से कई सारे वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं। इन दोनों की प्लेलिस्ट भी आज के इस कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके साथ शेयर कर देंगे। ये दोनों को प्रायोरिटी में रखिए, इससे सवाल पक्का ही आएंगे। भले मेरे करंट अफेयर से ना आए, इसलिए मैंने 20 दिन पहले आपको करा दिया है टू बी ऑन द सेफर साइड, एक बार देख लिया, आगे तो अच्छी बात है, ना आए कोई बात नहीं, लेकिन आसाम हिस्ट्री से तो जरूर आएंगे, आसाम पीडिया में जो कराया जरूर आएंगे, क्योंकि 30-35% क्वेश्चन तो हैं वो आसाम से ही आने वाले हैं। तो ये पिक्चर ध्यान में रखना, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे एग्जाम को अप्रोच करना है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, एग्जाम में वो नहीं पास करता जिसको नॉलेज ज़्यादा होता है, एग्जाम में वो पास होता है जो ज़्यादा बेहतर प्रिपेयर्ड होता है, और प्रिपेयर्ड इन द सेंस कि जिसकी बेहतर स्ट्रैटेजी है, बेहतर प्लानिंग है। तो थोड़ी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी पर मैं एक वीडियो रिलीज कर दूंगा, बाकी फिर अब आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए, आई होप जो मैसेज देना मैं चाहता था वो क्लियर कट आपको पहुंच चुका है। करंट अफेयर्स हो गया जितना करना था, मैं चाहूं तो ज़िंदगी भर आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता रहूं, और मेरा मन तो ऐसा ही करेगा, बट इससे ज़्यादा पढ़ना सेफ नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप रिवाइज़ भी नहीं कर पाएंगे, और फिर आप जब रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। फोकस इन एरियाज़ पे करना है, ठीक है जी। जितना हमने करंट अफेयर्स कर लिया है ये सेफ है, इससे इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा पढ़ना ठीक नहीं है। चलिए आज का पहला टॉपिक लेते हैं, दिस इज अबाउट जोजिला टनल। तो देखिए, जोजिला टनल से पहले यहाँ पे है जोजिला टनल, ये है जोजिला टनल जो कनेक्ट करता है कारगिल को श्रीनगर से, ये श्रीनगर है और कारगिल को जोजिला टनल कनेक्ट करता है। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इट विल बी कंप्लीटेड बाय 2022-23। इट विल बी लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब रोड टनल इन एशिया, ये बात ध्यान रखना, एंड इट विल बी ऑन नेशनल हाईवे नंबर 1। उसके पहले मैं ये अटल टनल तो ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको, जिसको रोहतांग टनल भी कहते हैं, इस पर ये तो मैं करा चुका हूँ, इस पर सवाल भी दे चुका हूँ। तो रोहतांग टनल विल बी कनेक्टिंग हाईवे फ्रॉम मनाली टू लेह, तो ये मनाली टू लेह वाला जो हाईवे है, ये मनाली टू लेह वाला हाईवे, ये यहाँ पे रोहतांग टनल है जिसको अटल टनल भी कहते हैं, दिस इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। ये एक टॉपिक मैं आपको पहले करा चुका हूँ, यहाँ पे मैं करा रहा हूँ जोजिला टनल विल बी पासिंग थ्रू जोजिला पास, इट विल कनेक्टिंग श्रीनगर एंड कारगिल, इट इज़ येट टू बी कंप्लीटेड बाई 2022-23। उसके अलावा ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो इंडिया के पासेस के ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने पासेस के भी थोड़े मैप्स दे रखे हैं, सबको रटने मत बैठ जाना, कन्फ्यूज हो जाओगे। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के दौरान जो जो पासेज आपको एक बार देखने की ज़रूरत पड़ती है उसको एक बार देखिए, बस इतना काफ़ी है, सब चीज़ को रटेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहीं बता देता हूँ, लीपू लेक याद रख लेना, सिप किला याद रख लेना, रोहतांग याद रख लेना, जोजिला याद रख लेना, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक नथुला पास मिलेगा सिक्किम पे, वो देख लेना, बाकी इससे ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट टॉपिक नंबर 662, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ATMs। तो ATMs तीन तरह के होते हैं मेनली, वैसे तो और भी होते हैं लेकिन मेनली तीन तरह के होते हैं, बैंक्स ओन ATM, बैंक्स का खुद का ATM, जैसे स्टेट बैंक का ATM या PNB का ATM, उन पे बैंक्स का ही लोगो लगा हुआ रहता है, लेकिन इट इज़ अ कॉस्टली वे ऑफ प्रोवाइडिंग सच सर्विस, क्योंकि बैंक को अपना ATM मेंटेन करना होता है, अपने स्टाफ रखने होते हैं, तो बैंक्स के लिए महंगा पड़ता है ये। इसलिए दूसरा तरीका हो सकता है ब्राउन लेवल ATM में बैंक क्या करता है कि किसी तीसरे कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे देता है कि भाई हमारे बिहाफ पे तुम ये ATM बनाओ, ATM चलाओ, अपने स्टाफ रखो, लेकिन उस ATM के ऊपर जो नाम होगा वो हमारे बैंक का ही होगा। तो मान लीजिए कोई ऐसा अगर ATM है दैट इज़ बीइंग रन बाय अ थर्ड पार्टी विच इज़ अ नॉट बैंक नॉन बैंकिंग फर्म बट इट इज़ कैरिंग अ लोगो ऑफ द बैंक, देन दैट काइंड ऑफ ATM विल बी नोन एज ब्राउन लेवल ATM। एक तीसरे तरह का भी ATM होता है जिसको कहते हैं वाइट लेवल ATM। वाइट लेवल ATM में कैसा होता है कि ये कोई नॉन बैंकिंग कंपनी चलाती है और ये नॉन बैंकिंग कंपनी अपना ही लोगो भी यूज करती है, किसी बैंक के लिए चला रही होगी, भले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये ATM चला रही होगी, लेकिन ये अपना लोगो यूज करेगी और ये अपनी ही सर्विस प्रोवाइड करेगी, उसके लोग होंगे। तो एक है बैंक्स ओन ATM, दूसरा है ब्राउन लेवल ATM। ब्राउन लेवल ATM में जो बैंक होता है उसी का नाम होता है, लेकिन उसको रन करने वाले ATM को रन करने वाले कंपनी कोई और होती है। वाइट लेवल ATM रन करने वाली कंपनी भी कोई और है, बैंक का लोगो नहीं होता है,
जिसका जो कंपनी रन कर रही है उसका लोगो होता है। एग्जाम्पल टाटा इंडिकैश आपने देख रखा होगा एटीएम। अब टाटा इंडिकैश नाम का कोई बैंक तो है नहीं, लेकिन आपने एटीएम जरूर देख रखा है बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइट लेवल एटीएम। टाटा इंडिकैश इस एटीएम को रन करती है और वही अपना यहाँ पे लोगो भी यूज कर रही है। सो इट्स अ वाइट लेवल एटीएम। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 663 नेशनल हैंडलूम डे। हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। इसकी खासियत यह है क्योंकि इसी दिन 7 अगस्त के दिन ही स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इन कोलकाता इन 1905। इस साल का जो नेशनल हैंडलूम डे है 2021 का, उसका थीम है हैंडलूम एंड इंडियन लीगेसी। ये तो आना नहीं चाहिए क्योंकि उसके पहले पेपर सेट हो चुका होगा, फिर भी एक बार देख लीजिए। और जो फर्स्ट टाइम नेशनल हैंडलूम डे वाज सेलिब्रेटेड इन 2015 में चेन्नई में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि हम हर साल नेशनल हैंडलूम डे मनाएंगे 7 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। हैंडलूम की अगर बात की जाए तो इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एग्रीकल्चर इन इंडिया। हैंडलूम में 70% वर्क फोर्स आर वीमेन। आसाम हैज हाइएस्ट नंबर ऑफ हैंडलूम्स इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू हैंडलूम सेंसस रिपोर्ट। आसाम सरकार ने हैंडलूम को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम चलाया है इस साल के बजट में, बजट 2021-22 में हैंडलूम को प्रमोट करने के लिए। वैसे तो स्कीम पहले से चल रही है, इसमें कुछ नए नए इनिशिएटिव्स लिए हैं और इस स्कीम का नाम है स्वनिर्भर नारी स्कीम। स्वनिर्भर नारी स्कीम के अंतर्गत जो हमारे स्टेट आसाम के अंतर्गत जो वीमेन हैंडलूम चलाती हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके अलावा उनके लिए एक ई कॉमर्स ऐप बनाया जाएगा जहाँ पर वो अपने हैंडलूम प्रोडक्ट्स बेच सकती हैं। उसके अलावा जो आर्टफेड या AGMC है वो डायरेक्टली वीमेन हैंडलूम वीवर से हैंडलूम्स खरीदेगी और उसको मार्केट में सेल करेगी ताकि वीमेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके, उनको किसी थर्ड पार्टी को ना बेचना पड़े, मिडिल मैन को ना बेचना पड़े। तो ये सब स्वनिर्भर नारी स्कीम में अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए ताकि हमारे स्टेट आसाम के अंदर जो वीमेन हैंडलूम वीवर्स हैं उनको फ़ायदा मिले, उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इकोनॉमिक सेल्फ डिपेंडेंस जनरेट हो। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 664 कामत कमेटी। तो कामत कमेटी, देखिए KV कामत कमेटी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट ब्रीफली मैंने इसको डिस्कस किया है। देखिए एक हमारे स्टेट हमारे जो भी सरकारी बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनके NPA बढ़े हुए हैं तो आप सब जानते हैं। तो उनके NPO को कम करने के लिए एक नया फ्रेमवर्क लाया गया था जिसका नाम था प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क ऑन रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। तो ये प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क ऑन रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट वेयर ब्रॉट इन 2019 इन ऑर्डर टू रिड्यूस द NPA ऑफ द बैंक्स। फिर पिछले साल 2020 में RBI ने एक नई कमेटी बना दी, KV कामत कमेटी। और KV कामत कमेटी को इसलिए बनाया गया ताकि केवी कामत कमेटी एंश्योर करा सके कि इस फ्रेमवर्क प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट को इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो मुद्दा यह है कि बैंक्स के NPA बढ़े हुए हैं, NPA को कम करने के लिए एक बेसिक फ्रेमवर्क लाया गया है 2019 में जिसका नाम है प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क ऑन रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। और इस प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क ऑन रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है इसके लिए एक कमेटी बनाई पिछले साल RBI ने जिसका नाम है KV कामत कमेटी, जिसके चेयरमैन रहेंगे KV कामत। बहुत होगा तो इस तरह का सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, केवी कामत कमेटी किस लिए बनाई गई है या इसको इम्प्लीमेंटेशन प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन सी कमेटी है। तो ये केवी कामत याद रखना। टॉपिक नंबर 665 13th जापानीज इंडस्ट्रियल टाउन। तो देखिए इंडिया और जापान के बीच में 2015 में एक एग्रीमेंट हुई जिसमें जापान ने प्रॉमिस किया कि इंडिया के अंदर वो 11 अलग अलग लोकेशंस पे इंडस्ट्रियल टाउन्स बनाएगा। बाद में एक और लोकेशन ऐड किया गया तो टोटल अब जापान के 12 इंडस्ट्रियल टाउन्स बनाए जाने थे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स बनाए जाने थे 9 स्टेट्स। फिर एक और पिछले साल अग्रीमेंट साइन हुई इंडिया और जापान के बीच में और 12 के बाद 13वां एक और इंडस्ट्रियल टाउन बनाया जाएगा और वो होगा आसाम के अंदर। और ये आसाम का पहला इंडस्ट्रियल टाउन होगा अंडर दिस इंडिया जापान एग्रीमेंट। और ये जो इंडिया जापान अग्रीमेंट के आउटकम से ये जो इंडस्ट्रियल टाउन बन रहा है जापान में इंडिया में जापानीज इंडस्ट्रियल टाउन सिप दैट इज़ टू कम एट नागरबेरा इन कामरूप रूरल डिस्ट्रिक्ट। इसका एरिया टोटल कम से कम 2000 बीघाज होगा। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, आगे चलें। टॉपिक नंबर 666 गल्फ ऑफ कच्च में जो सर क्रीक है उसका इशू। तो देखिए यहाँ पे है सर क्रीक, ये देखिए सर क्रीक गल्फ ऑफ कच्छ के पास, ये है गल्फ ऑफ कच्छ और ये है गल्फ ऑफ खंबात। ये तो आप जानते ही हैं गल्फ ऑफ खंबात और ये है गल्फ ऑफ कच्छ।
और गल्फ ऑफ कच्छ से ऊपर यहाँ पे है सर क्रीक। जो सर क्रीक का ये वाला जो लैंड है, ये वाला जो लैंड है ये डिस्प्यूटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान चाहता है कि जो ग्रीन लाइन यहाँ पे दिखाई गई है, ग्रीन लाइन दैट शुड बी द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि दिस एंटायर रीजन शुड बिलोंग टू पाकिस्तान, जबकि इंडिया चाहता है कि इस वाटर बॉडी का जो बीचों बीच वाला लाइन है ये रेड लाइन दैट शुड बी द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये जो ग्रीन लाइन है पाकिस्तान क्लेम करता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द राव ऑफ कच्छ एंड चीफ कमिश्नर ऑफ सिंध। ऐसा है कि इंडिया का इस साइड में कच्छ प्रोविंस है, हमारा इस साइड में कच्छ प्रोविंस है, पाकिस्तान का इस साइड में सिंध प्रोविंस है, और सिंध और कच्छ के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुई थी पहले। सिंध के कमिश्नर ब्रिटिशर थे और राव ऑफ कच्छ के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुई थी, उसके हिसाब से ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो सिंध को बिलोंग करना चाहिए। तो पाकिस्तान कहता है कि उस एग्रीमेंट के हिसाब से ये ग्रीन लाइन होना चाहिए बाउंड्री, जबकि इंडिया कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। थालवेक प्रिंसिपल एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल है, थालवेक प्रिंसिपल के हिसाब से कैसा है कि अगर कोई भी एरिया डिस्प्यूटेड है वाटर बॉडी का, तो उस वाटर बॉडी का बीचों बीच वाला लाइन जो होना चाहिए वो बाउंड्री होना चाहिए बिटवीन द टू कंट्री। तो इंडिया कहता है कि एरिया डिस्प्यूटेड है तो चलिए बीचों बीच बांट लिया जाए अकॉर्डिंग टू थालवेक प्रिंसिपल, आधा आपका आधा हमारा। तो यह है गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर यह सर क्रीक का डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सर क्रीक में देखो ऑयल नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा है, फिशिंग के रिसोर्सेज भी हैं, इस कारण से ये थोड़ा डिस्प्यूटेड इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। एंड टॉपिक नंबर 667 15th लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ असम। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो पहला सेशन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो जरा समझिए। ये जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है जिसके चीफ मिनिस्टर जिसके बाद हिमंत बिश्व शर्मा साहब बने, इट इज़ 15th लेजिस्लेटिव असेंबली, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी है। एंड हिमंत बिश्व शर्मा साहब इज 15th चीफ मिनिस्टर एज वेल। चलिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेशन, तो ओथ पहला सेशन का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो नए एमएलएज होते हैं उनको ओथ दिलाया जाता है, और जो नए एमएलएज होते हैं उनको ओथ दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर, और प्रोटेम स्पीकर थे फनी भूषण चौधरी। तो फनी भूषण चौधरी साहब थे प्रोटेम स्पीकर। नॉर्मली क्या एक फ्रेंच कन्वेंशन है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, और प्रोटेम स्पीकर का एक और काम होता है कि जो नए लेजिस्लेटर्स होते हैं उनको तो ओथ दिलाते हैं, साथ ही साथ स्पीकर का इलेक्शन कराता है प्रोटेम स्पीकर। और उसके बाद पहले सेशन में ये भी होता है कि जो गवर्नर होते हैं वो आते हैं और नए लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस करते हैं, इट इज़ अ कस्टमरी प्रैक्टिस, नॉर्मली यही नॉर्म है। तो प्रोटेम स्पीकर थे फनी भूषण चौधरी साहब, और जो नए स्पीकर परमानेंट स्पीकर चुने गए हैं वो हैं बिश्वजीत दैमरी साहब। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें। टॉपिक नंबर 668 CATS स्टैंडर्ड कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड CATS स्टैंडर्ड। तो जो इस साल 29 जुलाई थी वो इंटरनेशनल टाइगर डे थी, हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। 2021 की जो इंटरनेशनल टाइगर डे थी उसका थीम था देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। अब इस ओकेजन पे हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने अनाउंस किया कि हमारे देश के 14 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं आउट ऑफ 52 टाइगर रिजर्व इन द कंट्री जिनको ये CATS एक्रीडेशन मिल चुका है। ये 14 टाइगर रिजर्व में से 3 आसाम के टाइगर रिजर्व हैं, दे आर मानस काजीरंगा एंड ओरांग। जो चौथा टाइगर रिजर्व है हमारे स्टेट आसाम का नामेरी, उसको ये CATS का एक्रीडेशन नहीं मिल पाया। आसाम के अलावा मध्य प्रदेश अकेला एक ऐसा स्टेट है जिसके पास 3 CATS एक्रीडेशन वाले टाइगर रिजर्व हैं। तो आसाम और मध्य प्रदेश के पास 3-3 CATS एक्रीडेशन वाले टाइगर रिजर्व हैं। CATS का फुल फॉर्म है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड एक्रीडेशन। तो इसका मतलब ही समझ लीजिए, देखिए CATS, देखिए सिर्फ टाइगर रिजर्व बनाने से तो फायदा होगा नहीं। आपने किसी एरिया को टाइगर रिजर्व बना दिया तो उससे वहाँ पर टाइगर सुरक्षित रहेंगे और उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसकी गारंटी तो है नहीं। तो CATS इज द सेट ऑफ क्राइटेरिया जिसमें देखा जाता है कि जो पर्टिकुलर एरिया है क्या सच में वहाँ पर सक्सेसफुली टाइगर कंजर्वेशन हो सकता है, हर कोई एक पर्टिकुलर रिजर्व एरिया टाइगर कंजर्वेशन के लिए CATS स्टैंडर्ड फुलफिल करता है, इसका मतलब यह है कि वहाँ पर प्रॉपर टाइगर कंजर्वेशन हो सकता है। सिर्फ टाइगर रिजर्व किसी एरिया को डिक्लेयर करने से इसका मतलब ये नहीं कि वो एरिया में टाइगर कंजर्वेशन हो सकता है, दैट एरिया मस्ट बी CATS अप्रूव्ड।
चलिए वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चले। टॉपिक नंबर 669 वेलफेयर स्कीम्स फॉर टी ट्राइब्स यूथ ऑफ असम। तो अलग अलग स्कीम्स लाए गए हैं असम सरकार द्वारा। स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स ₹3000 स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th। इसके अंतर्गत कौन कौन इनिशिएटिव वो जरा देखिए। स्कॉलरशिप अलग अलग तरीके के हैं। सीमोंग सिंह होरो स्पेशल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसमें ₹10,000 ग्रांट विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स क्लियरिंग HSLC अंडर सेबा और AHSE बोर्ड। ₹7,000 फॉर नॉर्मल 3 डिग्री कोर्स, ₹25,000 फॉर टेक्निकल एजुकेशन लाइक मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज। कोचिंग असिस्टेंस विल बी ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक सिविल सर्विसेज। शहीद दयाल दास पानिका स्वनियोजन स्कीम, अंडर दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹25,000 टू टी ट्राइब्स यूथ इंगेज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड हैविंग लैंड साइज लेस दैन 10 बीघा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹25,000 टू वीमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इन सारे स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने वाली जो नोडल एजेंसी होगी वो होगी टी ट्राइब वेलफेयर डिपार्टमेंट। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें। टॉपिक नंबर 670 ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नंबर 182। तो देखो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि लेबर स्टैंडर्ड्स के दुनिया में वर्कर्स के क्या बेसिक स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वो सेट करता है। तो इसके टोटल 8 कन्वेंशन हैं, टोटल 8 कन्वेंशन हैं। सारे के सारे याद नहीं रखने क्योंकि सब करंट अफेयर्स का हिस्सा नहीं है। जो याद रखना आपको ILO कन्वेंशन नंबर 182। ILO कन्वेंशन नंबर 182 एक टॉक्स अबाउट एबोलिशमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले साल टोंगा एक कंट्री है इन पैसिफिक ओशन, टोंगा ने इसको रेटिफाई किया और इसके साथ ही इट बिकेम यूनिवर्सली रेटिफाइड लॉ। इट इज़ द ओनली लेबर स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड, ओनली 8 जो ILO के लेबर स्टैंडर्ड्स हैं उसमें से लेबर कन्वेंशन नंबर 182 दैट टॉक्स अबाउट चाइल्ड लेबर इज द ओनली लेबर स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड दैट इज यूनिवर्सली रेटिफाइड, यानी कि दुनिया की सारी कंट्रीज ने इसको साइन कर दिया है। टोंगा के साइन करने के बाद पूरी दुनिया की सारी कंट्रीज ने ILO के कन्वेंशन नंबर 182 को साइन कर दिया। इंडिया की अगर बात की जाए तो देखो आपको क्या बातें याद रखनी है कि 8 में से सिर्फ 182 कन्वेंशन नंबर 182 जो चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है वो यूनिवर्सली रेटिफाइड है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने 8 में से 6 साइन कर रखे हैं, इंडिया ने जो 2 नहीं साइन कर रखे हैं ILO के कन्वेंशन वो है ILO कन्वेंशन नंबर 87 that talks about freedom of association and protection of right to organize convention and ILO convention number 98 that talks about right to organize and collective bargaining convention। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें। टॉपिक नंबर 671 सारा भाई क्रेटर। तो क्रेटर मतलब तो आप समझते हैं गड्ढा होता है, तो ये सारा भाई क्रेटर एक लूनर क्रेटर है, मतलब चांद के ऊपर एक इस तरह का गड्ढा है बड़ा सा, ठीक है। और ये जो सारा भाई क्रेटर है इसको ऑब्जर्व किया था हमारे चंद्रयान 2 ऑर्बिटर मिशन ने, जिसने मून के इमेजेस को कैप्चर किए थे और उसी पे फिर हमने क्रेटर को के इमेज को कैप्चर किया था, इसको नाम दिया गया सारा भाई क्रेटर। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें। टॉपिक नंबर 672 इज अबाउट पंडित जसराज। तो पंडित जसराज पिछले साल न्यूज़ में थे बिकॉज ही पास्ड अवे। तो काफ़ी वेल नोन इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, ही बिलोंग टू मेवाती घराना। इनको पद्म विभूषण मिला यानी कि भारत रत्न से एक स्टेप पहले वाला अवार्ड पद्म विभूषण मिला ईयर 2000 में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला 1987 में। इनकी खासियत ये कि एक नए तरह की जुगलबंदी इन्होंने ओरिजिनेट की थी, बनाई थी, क्रिएट की थी, जिसका नाम था जसरंगी, विच इज स्टाइल्ड ऑन द एंशियंट सिस्टम ऑफ मूर्छाना बिटवीन मेल एंड फीमेल वोकलिस्ट हु सिंग डिफरेंट रागाज एट द सेम टाइम। तो एक नई तरह की जुगलबंदी मेल और फीमेल सिंगर्स आपस में कर सकते हैं, जो पुराना जुगलबंदी था मूर्छाना उसी के तर्ज पे बनाया है नया तरह का जुगलबंदी, जिसमें मेल और फीमेल एक बारी बारी से जुगलबंदी करते हैं, गाते हैं, मूर्छाना के तर्ज पे बनाया, लेकिन इसको नाम दिया है जसरंगी। उसके अलावा पंडित जसराज के बारे में खासियत एक और बात है कि 2019 में एक माइनर प्लैनेट जिसका नाम है एस्टेरॉयड 300128, माइनर प्लैनेट दैट इज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, उसको पंडित जसराज के बाद के नाम के आगे नाम दिया गया, मतलब उस माइनर प्लैनेट का नाम रखा गया है पंडित जसराज प्लैनेट। तो ये इंडिया के पहले ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके नाम के बाद एक प्लैनेट को नाम दिया गया है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें। टॉपिक नंबर 673 खेल रत्न अवार्ड। तो पिछले साल इन 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड मिला APSC में, क्या पता खेल से भी पूछ ले, इसलिए बी रेडी फॉर दैट साइड ऑल्सो। रोहित शर्मा, मोनिका बत्रा, रोहित शर्मा तो क्रिकेटर हैं आप देख ही रहे हैं, मोनिका बत्रा को मिला है
सी स्टेबल टेनिस प्लेयर विनेश फोगाट को भी आई होप जानते होंगे, रेसलर हैं। रानी लॉम्पल इंडियन वीमेन हॉकी टीम की कैप्टन है। और टी मरियप्पन ये पैरा ओलंपिक से गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, रियो पैरालंपिक से गोल्ड मेडलिस्ट है। इन सबको खेल रत्न अवार्ड मिला। खेल रत्न तो आपको पता ही है, पहले इसका नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अब उसको बदल करके कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। खेल रत्न अवार्ड की बात की जाए तो सबसे ऊंचा अवार्ड होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, उसके बाद आते हैं अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू कोचेज। फिर एक होता है ध्यानचंद अवार्ड, दैट इज गिवन एज ए लाइफ टाइम अचीवमेंट। उसके अलावा आता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, जो आपको ध्यान रखना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसको 1991-92 में लाया गया था। और इसके पहले रिसिपियंट थे चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है इंडिया का, 1991-92 में लाया गया था। फर्स्ट रिसिपियंट वह चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद, 2020 में इन पाँच लोगों को दिया गया। और ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही साल में पाँच लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया हो। अगर बात की जाए तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड से जस्ट एक नीचे आता है अर्जुना अवार्ड, और हमारे स्टेट की लवनीला बोरगोहाई जी को दिया गया था पिछले साल ये अर्जुना अवार्ड। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें। टॉपिक नंबर 674, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक एग्ज़ाम कराएगी जिसका नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्ज़ाम साल में दो बार होंगे। एक नई एजेंसी बनाई गई है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो एग्जाम में साल में दो बार एग्जाम कराएगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन टेक्निकल पोस्ट्स के लिए इस एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा। तो नॉन टेक्निकल पोस्ट जैसे रेलवे के लिए अभी दिक्कत क्या होती है कि एक स्टूडेंट को रेलवे के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ता है आरआरबी का, बैंकिंग के लिए आईबीपीएस का फॉर्म भरना पड़ता है, बाकी एसएससी का फॉर्म भरना पड़ता है। तो एक ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए अब उनको एक ही एग्ज़ाम देना होगा, वो होगा सीईटी। और सीईटी का जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे उसको बैंक में भी नौकरी मिल सकती है, आरआरबी में भी मिल सकती है और एसएससी में भी मिल सकती है। यह प्रपोजल दिया था पिछले साल, लेकर के आई थी भारत सरकार। अभी तक इंप्लीमेंट होते हुए तो मैं देख नहीं रहा हूँ, अभी तक तो पुराने ही एग्जाम चल रहे हैं। जो नए एग्जाम होंगे वो इस तरह से होंगे कि एजेंसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी वो कराएगी एग्जाम सीईटी। साल में दो बार ये एग्जाम होगा, हमारे देश के 12 मेजर लैंग्वेजेज में एग्जाम होगा, और जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं उसके लिए इससे सिलेक्शन होगा। तो आप सीईटी का एग्जाम दें, आपका जो स्कोर आएगा उसके बेसिस पे आपको ग्रुप बी या ग्रुप सी के नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। इंडिया के 12 लैंग्वेजेज में इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें। टॉपिक नंबर 675, लीज ऑफ गुवाहाटी एयरपोर्ट। तो गुवाहाटी एयरपोर्ट को लीज पे दे दिया गया है फॉर 50 ईयर्स टू अदानी ग्रुप। और एयर ट्रैफिक कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी को छोड़ करके बाकी हर चीज़ अदानी ग्रुप मैनेज करेगी गुवाहाटी एयरपोर्ट का। और एयर सिक्योरिटी और एयर ट्रैफिक को मैनेज करेगी अभी भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें। टॉपिक नंबर 676, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। पिछले साल का ही है अभी हमारे पास डाटा। तो स्वच्छ सर्वेक्षण यानी कि क्लीनलीनेस, कौन सा सिटी कितना क्लीन है उसकी रैंकिंग निकाली जाती है स्वच्छ सर्वेक्षण में। दिस इज पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। अगर एपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें ध्यान रखने वो ये है कि जोरहट फ्रॉम आसाम हैज़ बीन अवार्डेड एज द फर्स्ट प्लेस इन द क्लीनेस्ट सिटी विथ पॉपुलेशन 50,000 टू 1 लाख इन नॉर्थ ईस्टर्न जोन। अगर क्लीनेस्ट सिटी की बात की जाए इन पॉपुलेशन 25,000 टू 50,000 इन नॉर्थ ईस्टर्न जोन, तो वो है मोकुंगचंग इन नागालैंड। और क्लीनेस्ट सिटी की बात की जाए इन नॉर्थ ईस्टर्न जोन विथ पॉपुलेशन लेस देन 25,000, तो वो है जीरीबाम इन मणिपुर। अगर ओवरऑल इंडिया में बात की जाए 10 लाख ज़्यादा से पॉपुलेशन वाले में बेस्ट या क्लीनेस्ट सिटी, तो वो है इंदौर। पिछले 4 साल से लगातार इंदौर टॉप पे आ रहा है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें। टॉपिक नंबर 677, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर। तो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी बिकॉज इट हैज बीन क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू अ लॉ, ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019। द चेयरपर्सन ऑफ दिस नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर विल बी यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें। टॉपिक नंबर 678, पुलिकल्ली। तो पुलिकल्ली इज अ फोक डांस ऑफ केरला। इट इज डन ऑन 4th डे ऑफ ओनम फेस्टिवल। इट इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज टाइगर डांस। इस तरह का टाइगर के कपड़े बना के या टाइगर का भेष करके लोग नाचते हैं, इसको पुलिकली कहा जाता है। काफ़ी न्यूज़ में था पिछले साल क्योंकि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें पुलिकली मनाना है और सरकार अलाउ नहीं कर रही थी क्योंकि कोरोना था, तो इस कारण से काफ़ी प्रोटेस्ट में था, न्यूज़ में था पुलिकली। याद रखिएगा केरला का डांस है, ओनम के फेस्टिवल के टाइम में मनाया जाता है, किया जाता है। सड़कों पर लोग इस तरह के बाघ जैसे कपड़े पहन के नाचते हैं, गाते हैं। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें। टॉपिक नंबर 679, एडिस एजेप्टी मॉस्क्यूटो।
तो ये है एडिस एजेप्टी मॉस्क्यूटो। इस एडिस एजेप्टी मॉस्क्यूटो के कारण ही डेंगू और चिकनगुनिया वायरस लोगों के अंदर फैलते हैं, क्योंकि ये कैरियर का काम करता है डेंगू और चिकनगुनिया वायरस का। तो डेंगू और चिकनगुनिया वायरस को ये कैरी करता है। एक नई बात जो आपको समझनी है, ये पिछले साल न्यूज़ में था कि डेंगू और चिकनगुनिया को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने एक प्रोग्राम लाया था, वर्ल्ड मॉस्क्यूटो प्रोग्राम, जिसमें कैसा है कि इस मॉस्क्यूटो के अंदर अगर एक नया तरह का बैक्टीरिया डाल दिया जाए, जिस बैक्टीरिया का नाम है वोलबैचिया बैक्टीरिया, तो फिर ये जो मच्छर है ये फिर मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा मतलब ये इनफर्टाइल हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा, बांझ हो जाएगा, जिसको कहते हैं ना हिंदी में बांझ हो जाएगा। और उसके अलावा इसके अंदर फिर कैसा है कि ये डेंगू और चिकनगुनिया वाले वायरस भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो होगा क्या कि ये अगर मच्छर ये रिप्रोडक्शन करता भी है तो जो इसके नेक्स्ट जनरेशन वाले मच्छर होंगे वो फिर ये डेंगू और चिकनगुनिया वाले वायरस कैरी नहीं कर पाएंगे। तो ये याद रखना कि ये जो वोलबाचिया एक तरह का बैक्टीरिया है, इसको अगर इस मच्छर में डाल दिया जाए तो ये मच्छर इनफर्टाइल हो सकता है, और अगर ये फर्टिलिटी कर भी लेता है किसी तरह से, रिप्रोडक्टिविटी हो भी जाती है, तो भी जो नेक्स्ट जनरेशन वाले मच्छर होंगे वो डेंगू और चिकनगुनिया फैला नहीं पाएंगे। तो जो बातें याद रखनी है, एडिस एजेप्टिस मॉस्क्यूटो वही कैरी करता है डेंगू और चिकनगुनिया के वायरस। एडिस एजेप्टिस मॉस्क्यूटो में अगर वोलबैचिया बैक्टीरिया को डाल दिया जाए तो ये मच्छर का काम तमाम हो जाएगा, ठीक है, या तो ये रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, और रिप्रोड्यूस करता भी है तो अगला जो जनरेशन होगा वो डेंगू मच्छर, डेंगू और चिकनगुनिया के वायरस कैरी नहीं कर पाएगा, स्प्रेड नहीं कर पाएगा। चलिए वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें। टॉपिक नंबर 680, तो आपको पता ही है कि फार्म तीन ऐसे फार्म बिल लाए थे भारत सरकार ने, पहले ऑर्डिनेंस के फॉर्म में लाए, फिर उसको कानून के फॉर्म में पास किया पार्लियामेंट से, लेकिन अब उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा है, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खासकर दिल्ली और हरियाणा के आसपास के एरियाज में फार्मर्स काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन तीनों फार्म बिल के खिलाफ। तो ये जो तीन फार्म बिल हैं वो ये हैं जिनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। तो इसमें कैसा है, दिस बिल इज रिमूविंग बैरियर ऑन द फार्मर्स एंड दे कैन नाउ सेल देयर प्रोडक्ट इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट एंड दे आर नाउ नॉट बाउंड टू सेल देयर प्रोडक्ट्स ओनली इन द एपीएमसी मार्केट। तो पहले कैसा होता था कि फार्मर्स को अपना जो पहला प्रोड्यूस होता था ऑफ द नोटिफाइड क्रॉप उसको जाकर के एपीएमसी मंडी में ही बेचना होता था, लेकिन वहाँ पे मिडिल मैन होते थे अधतियाज जो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। तो फार्मर्स के एक्सप्लॉयटेशन को दूर करने के लिए अब सरकार ने अलाउ कर दिया कि वो अपना प्रोडक्ट जहाँ चाहे वहाँ बेच सकते हैं, दूसरे स्टेट में बेच सकते हैं या अपने स्टेट में ही दूसरे मंडी में या दूसरे जगह जा करके बेच सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए हो गया क्योंकि फार्मर्स, कुछ जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, उनको लगता है कि सरकार जो एपीएमसी मंडी को ख़त्म करना चाहती है। दूसरा जो कानून था जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ वो था फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइसेज एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। सरल शब्दों में अगर इसका काम देखा जाए तो दिस अलाउड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिटवीन फार्मर्स एंड लार्ज एग्रीगेटर्स। मतलब मान लीजिए लेज कंपनी है, बड़ी कंपनी है चिप्स बनाने वाली कंपनी, अगर उसको मान लीजिए पोटैटो चाहिए तो सीधा सीधा जाकर के फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कि सर हमें चाहिए, फार्मर्स को बोल सकता है कि सर हमें 100 किलो आलू चाहिए 6 महीने बाद। तो फॉरवर्ड मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ किया इस नए कानून ने। अब सरकार ने इस कानून को इसलिए लाया ताकि सरकार को लगा कि डायरेक्टली अगर फार्मर्स डील करेंगे बड़े बड़े कंपनियों के साथ तो उनको फ़ायदा होगा, मिडिल मैन के साथ डील नहीं करना होगा तो प्रॉफिट डायरेक्टली फार्मर्स को जाएगा, सरकार को लगता है कि इससे फार्मर्स को फ़ायदा होगा। जबकि फार्मर्स इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर सकती हैं इस कानून की मदद से, डायरेक्टली दे विल इंगेज विद द फार्मर्स एंड दे विल एक्सप्लॉइट द फार्मर्स, दैट्स वाई प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन। तीसरा एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट, एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट 1955 वाला, तो वो तो मैं आपको करा ही चुका हूँ। एसेंशियल कॉमोडिटी बिल 2020 जो लाया गया पिछले साल, वो एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट 1955 को अमेंड करने के लिए लाया गया, उसमें कई सारे जो प्रोविजन्स थे एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट 1955 के उसको रिलैक्स कर दिए गए, जैसे कि पल्सेस को, सीरियल्स को, ऑयल सीड्स को, ऑनियन को, पोटैटोज को सो एसेंशियल कॉमोडिटीज से बाहर डाल दिया गया। उसके अलावा ये भी कहा गया कि इम्पोजिशन ऑफ द स्टॉक लिमिट विल बी यूज्ड ओनली इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अगर किसी बच्चे ने पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रखा होगा, इकोनॉमिक सर्वे 2020 का, तो उसको याद आएगा कि इकोनॉमिक सर्वे 2020 ने साफ साफ कहा था कि एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, फ़ायदे कम होते हैं, इट डज़ मोर हार्म दैन
बेनिफिट, एंड दैट इज वाई एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट को रिलैक्स करना चाहिए, लिबरलाइज करना चाहिए। और उसी तर्ज पे, उसी सजेशन पे भारत सरकार ये एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट वाली बिल लाई थी, लेकिन फार्मर्स फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप एसेंशियल कॉमोडिटीज बिल को रिलैक्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप फार्मर्स के इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब देखिए, ये मुद्दा वैसे काफ़ी बड़ा है, काफ़ी डिटेल का है, मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीटी पर्सपेक्टिव से मुझे कम इंपॉर्टेंट लगता है। इसीलिए अगर कोई स्टूडेंट इस मुद्दे को बेहतर समझना चाहता है, डिटेल में समझना चाहता है, तो मेरे 2 दिसंबर 2020 का न्यूज़पेपर एनालिसिस जाके देख सकता है, एडिटोरियल पार्ट, वहाँ पे मैंने इसको साफ साफ डिटेल में डिस्कस कर रखा है। आधे घंटे मैंने इसी मुद्दे को एक्सप्लेन किया, अलग अलग एंगल से ये तीनों बिल को डिस्कस किया है मैंने, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। आपको बस टाइप करना है YouTube पे SPMIS Academy 2 दिसंबर 2020, आपको तीनों ये सब कुछ मिल जाएगा, पूरी एनालिसिस वहाँ मिल जाएगी। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बस इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, उसके बेसिस पे ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। ये आज का आखिरी टॉपिक है और इसके साथ ही करंट अफेयर्स का भी ये आखिरी टॉपिक है। अब मैं बस आपको आसाम के बजट, आसाम के कुछ स्कीम्स कराऊंगा संडे को और मंडे को, एंड दैट विल बी एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन।